डेट एंड टाइम कैलकुलेशन आज का हमारा टॉपिक, डेट एंड टाइम कैलकुलेशन। सबसे पहले जानिए सिस्टम का डेट कैसे लिखेंगे। उससे पहले आपको अपना सिस्टम का डेट चेक करना होगा। जैसे कि आज की डेट है 22/11/2022, तो मेरा जो सिस्टम पे है वो देखेंगे कि 22/11/2022 मतलब कि DDMMYY। तो यहाँ लिखेंगे 22/11 या स्लैश कर दीजिए या डैश कर लीजिए, यहाँ 2022 करें, ठीक, क्योंकि मेरे MMDDYY। बट आपका सिस्टम डेट जो है मोस्टली हो सकता है होगा DDMMYY, नहीं, हाँ MMDDYY। MMDDY। तो आप लिखेंगे 11/22 एंड 2022, ठीक है। अब करेंट सिस्टम डेट भी लाना है आपको, तो टुडे का फॉर्मूला होता है जो कि करेंट सिस्टम डेट आता है। लेकिन एक नाउ का फॉर्मूला है जो कि डेट एंड टाइम लेके आता है। और टाइम का फॉर्मूला सिर्फ जी टाइम नहीं आएगा, तो नाउ का फॉर्मूला है या टुडे का फॉर्मूला, ठीक है सर। नाउ का फॉर्मूला है एंड टुडे का उसका यूज कर सकते हो। अब यहां पे आती है कि जैसे टुडे का फॉर्मूला लिया तो आप इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ईयर, ईयर अलग करेगा। मैं यहां से मंथ हटा सकता हूँ, मंथ हटेगा, और यहां हम डे हटा सकते हैं क्योंकि डे इसमें से अलग कर। 2022/11/2022 आप देख पा, तो वापस डेट का फॉर्मूला आता है, इसमें हम ईयर 11 और यहाँ पे मंथ कर देते हैं, तो कंबाइन होकर डेट हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी को, मतलब बहुत सारे लोगों को अगर डेट का फॉर्मेट आप डेट का भेज रहे हैं, तो उसमें छोटी सी प्रॉब्लम भी होती है। जैसे कि मैंने, मेरा सिस्टम डेट है एक दिसंबर, ठीक है। तो मेरा क्या है DDMMY, आपका है MMDDYY। आपके पास से जाते हुए क्या हो, जाते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बारह चेंजेस जनवरी तो ऐसे केसेस में आप डेट का इस्तेमाल करें, इसमें 2022/11/12। अब किसी भी डेट फॉर्मेट पे जाएगा तो यही डेट दिखाएगा जो आप देख पा रहे, ठीक है। बट ये कलर क्यों हो गया तो आपके? कंडीशन वर्डिंग लगाया हुआ था इसमें। ओके ओके अब बारी आती है कैलकुलेशन कि दो डेट में हम, दो डेट में एक डेट, पर्टिकुलर डेट में डेज कैसे ऐड करें। जैसे मुझे इसमें 20 दिन जोड़ने हैं, तो कुछ मत कीजिए, इसमें प्लस कर, ठीक है। फिर मुझे इसमें मुझे मान लीजिए 3 महीना जोड़ना है, और ऐसा नहीं कि इसको मल्टीप्लाई में 90 कर देंगे तो जुड़ जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ईओ मंथ, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है। इसको सॉरी ईओ मंथ नहीं, माफ कीजिए, ई डेट होगा, ईओ मंथ दूसरा चीज होता है। ईओ मंथ और यहाँ पे मंथ सिलेक्ट कर तो कन्वर्ट कीजिए 21 पर कीजिए। तो इसमें 90 डेज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि डेट चेंज हो रहा है। लेकिन जब मंथ ऐड करेंगे तो मंथ में ऐड करेंगे, इससे आपका डेट जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। ओके लेकिन माइनस करना हो तो 3 को माइनस में कर दीजिए, माइनस कर देगा, ठीक है। अब उसी तरह से एक डेट में मुझे एक पीरियड ऐड करना, मुझे 2022 दो, मतलब कि 2 साल डेट में, 2 साल 11 महीने और मान लीजिए 27 दिन ऐड करना है। उस केस में हम इस वाले मेथड को लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे डेट, ओके यहाँ ईयर का फॉर्मूला लेंगे और इस डेट में से ईयर निकाल लेंगे जो कि 2022 होता है,
प्लस टू कर देंगे। ओके फिर मंथ, इसमें से मैं मंथ अलग कर लूंगा और प्लस 11 कर दूंगा। फिर इसमें से डे 22 साल अलग किए, इसमें प्लस हमने 20 कर दिया, 27 है ना, 27। ठीक है, अब हमने डिफरेंस निकालना सीखेंगे दो डेट के बीच में कितने दिन का डिफरेंस होता है। मुझे 1 जनवरी 2022 से मुझे डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, जी हाँ, या फिर डेज का फॉर्मूला जो कि लेटेस्ट डेट कॉमा ओल्डेस्ट डेट। अच्छा, एक और फॉर्मूले में डेज 360 आता है, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, इन दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालता है। बट ये देखिए क्या है, 321 कब क्यों है, क्योंकि वो साल को 365 दिन नहीं 321 दिन देता है। क्यों, फाइनेंशियल ईयर जो होता है क्या 365 दिन का होता है, नहीं 360 दिन का होता है, 5 दिन मेंटेन करने के लिए जाता है। अपने कंप्यूटराइज हो गया तो जल्दी से एक ही बार क्लिक में हो जाता है, पहले उसका मैनुअल था ना। तो 365 दिन का, तो ये 360 फॉर्मूला उसी के हिसाब से निकालता है, ठीक है। ओके अब ऐसा क्यों निकाला गया, इसका एक तथ्य और था जो हमने ऐसे बीकॉम में पढ़ा था कि कंपनी जो लोन लेती थी उसकी जो ब्याज है वो 360 दिन की रिकॉर्डिंग नहीं, 365 नहीं, 360 दिन की रिकॉर्डिंग देती थी। कहना था कि वो 5 दिन तक कुछ काम किए नहीं, वो हिसाब वगैरह में करते रहे, उनका प्रोडक्शन नहीं हुआ, इसलिए 360 दिन का ही ब्याज दे है, 5 दिन का ब्याज दे नहीं। ओके, ऐसा उस तथ्य था, क्या फैक्ट है वो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, उतना दिमाग में है नहीं। तो अब बात करते हैं बिटवीन दो डेट के बीच में मुझे चाहिए बिल्कुल फॉर्मूला, क्या बोलते हैं कि सैटरडे संडे और ऑफिस की छुट्टी छोड़ के कितने दिन पड़े, नेटवर्क डेज, नेटवर्किंग डेज, स्टार्ट डेट एंड डेट, और इसमें अपना हॉलीडे सेलेक्ट कर लेंगे, जो छुट्टी आज सैटरडे संडे के अलावा जो भी छुट्टी है आपकी, जैसे क्रिसमस की हो गई, फॉर्चून वाले की होगी, लाइक दैट। तो इन दो डेट के बीच में जो भी डेट आपको छुट्टी वाले लिस्ट में मिलेगा सबको इग्नोर करके आपको डिफरेंस दे देगा कि 232 दिन आपका वर्किंग हुआ, सैटरडे संडे हटा दे, छुट्टियां हटा दे, ठीक है, जो आपने सेलेक्ट किया होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरी कंपनी सैटरडे संडे बंद नहीं होती है, मान ली संडे बंद होती है, मंडे टू फ्राइडे बंद होती है, तो इसके लिए हम networkdays.intl लेते हैं, इसमें स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं अपना वीकेंड्स, कि आपका वीकेंड्स क्या। ओके, तो मान लीजिए कि हमने सिर्फ संडे सेलेक्ट कर, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है हॉलीडे, कि अपना हॉलीडे सिलेक्ट करना, एंटर प्रेस करें 8279, ठीक है जी जी। तो नेटवर्क डे समझ में आ गया आपको, नेटवर्क आईएनडीएल आईटीएल सॉरी इंटरनेशनल जी जी। अब बारी आती है वर्क डे, आज हमने एक मान लीजिए कि एक काम दिया किसी को, या बैंक में मान लीजिए हमने एक ये दिया छुट्टी की एप्लीकेशन थी, उसने बोला कि भाई 23 दिन में हो जाएगा, ठीक है, तो आफ्टर 23 वर्किंग डे कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे वर्क डे डॉट आई एन डी एल, हम देंगे स्टार्ट डेट
और एंड, ठीक है, ये नंबर ऑफ डेज मार्क कीजिए, स्टार्ट एंड एंड डेज, और फिर आपको वीक डे सेलेक्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद छुट्टियां, तो बता देगा कि जो वीक डे आपने सेलेक्ट किया है, जो छुट्टियां सेलेक्ट किया है, उसको ध्यान में रखते हुए 23 वर्किंग डेज बाद कौन सा डेट आएगा। अगर आपकी छुट्टी सैटरडे संडे फिक्स है तो सिर्फ आप यहाँ पे वर्क डे लगा और यहाँ पे अपना हॉलीडे सेलेक्ट कर लें, ये आपको बता देगा डेज क्या होगा, ठीक है। ओके ओके, तो दो डेट के बीच का डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीजों के बारे में जानते हैं, हमने डेट लिखा, कोई भी डेट लिखते, जैसे आज ही का डेट लिख दिया, मुझे यहाँ पे इसका लास्ट डेट चाहिए, ई ओ मंथ, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैं यहाँ पे टुडे डेट डालू, मुझे इस डेट का फर्स्ट मंथ चाहिए, फर्स्ट डेट चाहिए, जो 1 नवंबर से 30 नवंबर कुछ इस तरह से, तो क्या करेंगे। okay, okay. तो इसके लिए भी ईओ मंथ लगाएंगे, अब बोलेंगे कि ईओ मंथ, ईओ मंथ तो सिर्फ इसके लिए होता है, एंड के लिए, हमें तो स्टार्ट चाहिए ना। क्या इसमें स्टार्ट डेट भी आ गया, लेकिन एंड स्टार्ट डेट कैसे आएगा। डेट कैसे, नहीं ईओ मंथ से ही आएगा, ईओ मंथ के अंदर में यहाँ जो मंथ है इसको मैं माइनस वन कर दूं तो जो डेट है उसके पिछले महीने का लास्ट डेट दे देगा, ठीक है, उसके पिछले महीने का लास्ट, पिछले महीने के लास्ट डेट प्लस वन क्या होगा, डेट हो जाएगी इस महीने की शुरुआत, जी हाँ, तो 1 नवंबर से 31 आ गया ना, जो भी डेट डालेंगे उसका फर्स्ट एंड लास्ट दे देगा, ओके, ठीक है, क्लियर है। याद करना सर आपको ईओ मंथ, अब मान लीजिए हमने डेट को टेक्स्ट में लिख दिया है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डेट वैल्यू, जो डेट में कन्वर्ट कर देगा, और नंबर ही मुझे तो वैल्यू ही होता है, ठीक है, राइट सर, उसके बाद यहाँ पे टाइम के बारे में चलिए बात कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टाइम लिखा, यहाँ पे तो मुझे क्या करना है, टाइम निकालना है, तो इसमें आवर का फॉर्मूला है जो कि आवर निकाल देता है, सेकंड का फॉर्मूला है जो कि सेकंड निकाल देता है, और मिनट की फॉर्मूला है जो कि मिनट निकाल देता है, ठीक है, फिर टाइम की फॉर्मूला आपस में कन्वर्ट कर देती है इस तरह से। उसके अलावा अगर कोई टाइम पे कुछ ऐड करने से, मान लीजिए टाइम हमने लिखा इस पे कुछ ऐड करना 20 मिनट जो है, तो 20 मिनट अगर मिनट फॉर्मेट में है तो क्या करेंगे, यू कैन जस्ट प्लस, लेकिन अगर नंबर में है तो 1 = 24 आवर होता है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम कर देंगे इसमें प्लस टाइम और इसमें 0/20 को 10 को सेलेक्ट 20 सेलेक्ट कर लीजिए या फिर मैनुअल लिख दीजिए, ओके ओके,
इसको एंटर करना, हो गया। ओके दो टाइम के बीच में डिफरेंस निकालना, इसी में सुबह 10 बजे ऑफिस गया और 20 बजे ऑफिस से वापस आया, कितना देर किया, कितना देर ऑफिस में रहा, लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम। अगर दो डिफरेंट डिफरेंट डेट का है, जैसे मैं जो है तो 21 तारीख को सुबह 10 बजे शाम को 2 बजे ऑफिस गया था दोपहर में, और हमने 22 तारीख को सुबह 3 बजे ऑफिस से आया भोर में, तो आप लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट टाइम कर लीजिए, डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, कभी टाइम को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो टेक्स्ट का फॉर्मूला है, इसके अंदर आप इस इन्वर्टर को आप स्क्वायर ब्रैकेट में एच कर दीजिए, ये आवर सॉरी एम कर दीजिए, एच आवर के लिए, एम मिनट के लिए और एस सेकंड के लिए कन्वर्ट कर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एक और फॉर्मूला आता है डेट फ्रीक्वेंसी। जैसे दो डेट के बीच में मुझे कितना परसेंट इस साल का यूज हुआ है वो चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने एक साल के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया और हमने एक जनवरी से स्टार्ट किया और खत्म कर दिया आज, उसको हम पूरे साल का बिलिंग तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम तो साल कम किए तो कितना बिलिंग करेंगे, ये आपको बताता है ईयर फ्रीक्वेंसी, जो कि बताया 89%। समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए डेट फॉर्मूले में देखते हैं क्या क्या फॉर्मूले रह गए। तो डेट फॉर्मूला कर लिया, डेट वैल्यू भी बता दिया, डेज डेज 360 बता दिया, ई डेट ईयर मंथ आवर बता दिया। ये हाँ, एक वीक डे और वीक नेम आता है, जैसे कि हमने कोई डेट कोई डेट हमने इस तरह से ड्रैग कर रखा है, मुझे इसका वीक चाहिए, सॉरी वीक डे चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास वीक डे का फॉर्मूला है, जो कि 1, 2, 3 नंबर से बता देता है कि कौन सा वीक। तो वीक डे में आपको बताना पड़ता है कि आपका वीक कब स्टार्ट हो रहा है, तो मंडे तो ये आपका 2 सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, ओके। लेकिन आपको सटे चाहिए इसमें, संडे मंडे टेक्स में चाहिए, तो यहाँ पे डीडीडी लगा आ जाएगा। ऐसे ही साल का कौन सा वीक चल रहा है वो आपका वीक नाम या आईएसओ वीक नाम सेम ही होता है, सेम ही काम करता है, ये बता देगा साल का कौन सा वीक चल रहा है। ठीक है, तो वीक नेम हो गया, मिनट मंथ बता दिया, नेटवर्क डेज हमारा हो गया, नाउ हो गया, सेकंड हो गया, टाइम हो गया। जैसे डेट वैल्यू ऐसी टाइम वैल्यू है, टुडे हमने वीक डे वीक नेम बता दिया, वर्क डे वर्क इंडस्ट्रियल ईयर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो सारा फॉर्मूले डेट के हो गए आपके। ओके, ये वीक नेम वही वीक नेम जो बताया ना उसी का फॉर्मूला है। ओके, ठीक है, सेम देता है इसमें, वैसे यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला ISO वीक नेम, ठीक है, ये 44 देना वो 45 है। हाँ, एक काम होता है सही, इसका सही वर्किंग है कि मंडे और संडे चलता है, मैंने अलग इसका पैटर्न थोड़ा सा। ओके बट इसका यूज हम करते नहीं, तो इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं है। ओके ठीक है।